हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन पिछली वीडियोज को कंटिन्यू करते हुए भारतीय साहित्य अधिनियम 1872 पर चर्चा करेंगे, जो LLB थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि साक्ष्य क्या है, व्हाट इज एविडेंस। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा दिखाई देती है। तो इस धारा के अनुसार साक्ष्य क्या है, तो साक्ष्य शब्द का अर्थ है या इससे अभिप्राय है, तो जांचाधीन मामले के विषय में साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित वे सभी दस्तावेज जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं, अर्थात दस्तावेजी साक्ष्य। तो अपन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 को पढ़ने पर ये पाते हैं कि यह साक्ष्य की परिभाषा कम और साक्ष्यों का वर्गीकरण अधिक लगती है। तो जांचाधीन विषय के संबंध में न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा किए गए जो कथन होते हैं वो मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, और न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं उसे हम दस्तावेजी साक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त प्रकार के साक्ष्य के अलावा न्यायालय में अन्य प्रकार का साक्ष्य भी पेश किया जाता है, जैसे कि परिस्थितिजन साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, तो ये भी एविडेंस होती है जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है। अब अपन इसको सामान्य जो साक्ष्य की परिभाषा है वो अपन एक बार पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ जो न्यायालय के सामने किसी तथ्य को साबित करने के लिए अथवा ना साबित करने के लिए पेश की जाती है साक्ष्य कहलाती है। तो ऐसा साक्ष्य मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, दस्तावेजी भी हो सकता है, परिस्थितिजन साक्ष्य भी हो सकता है, तो वो साक्ष्य का कोई भी प्रकार हो सकता है। लेकिन सामान्यतः हम साक्ष्य की जो डेफिनेशन सामान्य अर्थों में या सामान्य शब्दों में जो अपन देख सकते हैं वो ये ही है कि ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो ठोस के रूप में हो, चाहे वो द्रव्य के रूप में हो, चाहे वो दस्तावेजी के रूप में हो, चाहे वो परिस्थिति या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उसको हम साक्ष्य के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 3 के अंतर्गत अपन रख सकते हैं। तो साक्ष्य के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। पहला है मौखिक साक्ष्य। तो मौखिक साक्ष्य की जो डेफिनेशन अपन दे सकते हैं वो ये है, जांचाधीन या विवादित, जांचाधीन या विचाराधीन मामले में न्यायालय के सामने साक्षियों के द्वारा किए गए कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो जांचाधीन या विचाराधीन मामले के संबंध में साक्षियों द्वारा न्यायालय में किए गए कथन को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। क्या ऐसे कथन न्यायालय के समक्ष ही दिया जाना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। जो मौखिक साक्ष्य की जो डेफिनेशन में बताया गया है कि विचाराधीन या जांचाधीन मामले के संबंध में साक्षियों द्वारा किए गए कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला विचाराधीन हो तो उस विचाराधीन मामले को निपटारे के लिए जो साक्षी पेश किया जाता है, साक्षी कोर्ट में उपस्थित होता है, तो क्या उसका कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है, वही मौखिक साक्ष्य कर सकता है जो कोर्ट में होना, उसका शारीरिक रूप से उपस्थिति होना जरूरी है। तो इसका अपन एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किसी रोगी का उसके घर
घर जाकर लिया गया कथन आदि, वो भी मौखिक साक्ष्य होता है। जब किसी गवाह की परीक्षा के लिए न्यायालय द्वारा कमीशन जारी किया जाता है तो ऐसा साक्षी कमीशन के सामने कोई भी कथन करे तो ऐसे कमीशन के समक्ष किया गया बयान भी न्यायालय के सामने किया गया बयान या कथन माना जाता है और उसे मौखिक साक्षी की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गूंगा है और कोर्ट के समक्ष कुछ बोल नहीं सकता है और वह न्यायालय को कुछ लिखकर देता है तो क्या ऐसा साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा? नहीं, ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाएगा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 119 के अंतर्गत बताया गया है। अब दूसरे प्रकार का जो साक्ष्य है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसको अपन दस्तावेजी साक्ष्य भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सहित वे सभी दस्तावेज जो कोर्ट के निरीक्षण के लिए पेश की गई है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य मूल रूप से एक दस्तावेज ही होता है। तो दस्तावेज किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स की भी परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई है। तो कोई भी वस्तु जिस पर शब्दों, अंकों, चिन्हों के माध्यम से कोई विषय अभिलिखित किया गया हो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के कारण इस परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी दस्तावेज की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोई भी दस्तावेज जो कोर्ट के सामने साक्षी के रूप में पेश किया जावे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। अब सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मौखिक साक्ष्य दो प्रकार का हो सकता है। मौखिक साक्ष्य जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत मौखिक साक्ष्य। तो प्रत्यक्ष या प्राइमरी एविडेंस प्रत्यक्ष साक्ष्य ऐसे व्यक्ति का कथन जिसने कि स्वयं किसी बात को देखा हो, सुना हो, महसूस किया हो, प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य कहलाता है। अप्रत्यक्ष या सेकेंडरी एविडेंस अप्रत्यक्ष साक्ष्य ऐसे व्यक्ति का कथन जिसने स्वयं किसी बात को नहीं सुना है, नहीं देखा है और न ही स्वयं ने उस साक्ष्य को या तथ्य को महसूस किया है, अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य कहलाता है। तकनीक अर्थ में ऐसे साक्ष्य को अनुश्रुत या श्रुत साक्ष्य भी कहते हैं, जैसे कि सुनी सुनाई बात भी इस कहते हैं। इस संबंध में मूल कानून यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं होता है और इसलिए न्यायालय के द्वारा ऐसा साक्ष्य खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई भी पक्ष हो, चाहे वो वादी हो, चाहे वो प्रतिवादी हो, प्लांटिव डिफेंटिव कोई भी हो सकता है, सबसे पहले उसको अपना श्रेष्ठ उच्च जो कोटि का जो साक्ष्य है वही कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर वो किसी मामले को अपने पक्ष में सॉल्व कराना चाहता हो। इसी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य भी दो प्रकार की हो सकती है, जो साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 61 में दिया गया है। तो दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य और इस एक्ट की धारा 62 बताती है कि दस्तावेजों की प्राथमिक साक्ष्य क्या क्या सम्मिलित है। तो दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य सेक्शन 61, तो इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है वो बताती है। तो दस्तावेजों का द्वितीयक साक्ष्य और इस एक्ट की धारा 63 बताती है कि दस्तावेजी साक्ष्य के द्वितीयक साक्ष्य में क्या क्या सम्मिलित है वो सेक्शन 63 बताता है। अब सेक्शन 64, 65 व 91 को पढ़ने के पश्चात हम
नतीजे पर पहुंचते हैं कि मूल नियम यह है कि न्यायालय के सामने दस्तावेजों का जो प्राथमिक साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए, अर्थात स्वयं दस्तावेज पेश किया जाना चाहिए। जो सेक्शन 64, 65 और 91 यह निर्देशित करता है कि पक्षकार को दस्तावेजी साक्ष्य का जो प्राथमिक साक्ष्य है वही पेश किया जाना चाहिए, द्वितीय साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस नहीं पेश की जानी चाहिए। पक्षकार के द्वारा न्यायालय के सामने द्वितीय साक्ष्य तभी पेश किया जा सकता है अगर पक्षकार ऐसा द्वितीय साक्ष्य पेश करने का हकदार हो। तो हकदार कब होता है? तो सेक्शन 65 में वो परिस्थिति, सात परिस्थिति दी गई है जिसके अंतर्गत पक्षकार प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य के एवज में द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकता, करने का हकदार होता है। अब इसके बाद में परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी अपन देख सकते हैं। तो इस प्रकार के साक्ष्य को इस एक्ट में न तो स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और ना ही इसको वर्गीकृत किया गया है, लेकिन अपन अपने शब्दों में इसकी परिभाषा दे सकती है। तो कोई भी साक्ष्य जिसके आधार पर, कोई भी एविडेंस जिसके आधार पर कोई उपधारणा की जा सकती हो या कोई उपधारणा होती हो या कोई परिस्थिति अस्तित्व में आती है, परिस्थिति जन साक्ष्य के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में मटेरियल फैक्ट्स या एविडेंस अनु वस्तुपरक साक्ष्य। तो कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री जिसे किसी तथ्य को साबित या नासाबित करने के लिए पेश किया जाता है वस्तुपरक साक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो आज विद्यार्थियों अपन यहीं तक चर्चा करेंगे कि दस्तावेजी साक्ष्य क्या है, मौखिक साक्ष्य क्या है, प्राइमरी साक्ष्य क्या है, सेकेंडरी साक्ष्य क्या है। अब इसी साक्ष्य को अपन नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये किन परिस्थितियों में पेश किया जा सकता है, इसका क्या साक्ष्यिक मूल्य है। तो तमाम चीज़ों को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज अपन इस वीडियोज को यहीं क्लोज करते हैं।